Hello friends, welcome back to my channel. This is me David and you're watching Curious David. तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों हमारा जो कीबोर्ड है वो क्वालिटी लेआउट यूज करता है, क्यों नहीं जो हमारा कीबोर्ड के कीज होते हैं वो क्यों नहीं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती। चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड्स का जो लिंक है वो हिस्ट्री से है। जब बहुत पहले टाइपराइटर यूज करते थे तब वो टाइपराइटर में मैकेनिकल पार्ट्स होते थे, लाइक मैकेनिकल आर्म्स होती थी। जैसे कि हम अब भी बहुत फास्ट टाइपिंग करते हैं तब भी टाइपिंग बहुत फास्ट की जाती थी। एज टाइपराइटर में मैकेनिकल पार्ट्स हैं, जैसे उसकी मैकेनिकल आर्म्स है, जब हम बहुत फास्ट टाइपिंग करते थे जो उसकी मैकेनिकल आर्म्स थी वो जैम हो जाती थी आपस में। इसलिए फिर मैकेनिकल आर्म्स हैं जो टाइपराइटर है उसको हमें ठीक करवाना पड़ता था, जो कि कॉस्टली हो जाता था। एंड फिर जो हमारे हीरो की एंट्री होती है क्रिस्टोफर सोल्स की, इसकी एंट्री हुई थी 1860 में। ओके, इसका दिमाग फिर गया कि हाँ क्यों जो मैकेनिकल आर्म होती हैं वो क्यों स्टक हो जाती हैं, बहुत लोग क्यों टाइपिंग फास्ट कर रहे हैं। एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिस्टोफर सोल्स ने जो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज़ करने वाली कीज थी, है ना, जैसे वॉल्स वॉवल्स हो गए और कोई और भी, इन जैसे अगर इन के एग्जांपल लें, अगर इन बहुत बार यूज़ हो रहा है तो उसने इन की जो आई है और एन है वो बहुत अलग अलग प्लेस कर दिए ताकि उसको टाइप करने में टाइम लगे और लोगों को ना टाइपिंग की स्पीड थोड़ी स्लो की जाए ताकि जो मैकेनिकल आर्म्स हैं वो जाम ना हो। इसलिए सारे जो फ्रीक्वेंट यूज्ड वर्ड्स थे उसको ऐसे हिसाब से अरेंज किया गया। सारा कुछ डिज़ाइन करने के बाद ये क्वालिटी कीबोर्ड का लेआउट डिज़ाइन हुआ, तो ऐसे ही क्वालिटी कीबोर्ड का जन्म हुआ। तो आप सोच रहे होंगे वो तो टाइपराइटर में प्रॉब्लम थी, आजकल जो कंप्यूटर है वो बहुत फास्ट होते हैं और उसमें ना ही मैकेनिकल आर्म्स हैं, उसमें जैम तो होंगी नहीं आर्म्स, फिर क्यों क्वालिटी लेआउट यूज़ करते हैं? इसके पीछे है आलस। यस, क्योंकि जो क्वालिटी कीबोर्ड है उसकी सबको आदत पड़ चुकी थी, इसलिए अगर वो कीबोर्ड का लेआउट चेंज करते तो सबको दोबारा से टाइपिंग सीखनी पड़ती एंड जो पहले कीबोर्ड बन चुके हैं वो सारे वेस्ट जाते। लीव इट, सब आलस की बात है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। मिलते हैं फिर आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू।